पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। इसकी बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, हमने उस पत्र को नहीं देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बीमा भारती पर जबरदस्त निशाना साधा। जैसा कि आप जानते हैं, आज रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से जारी है और बीमा भारती के जीत का दावा कर रहे हैं राजद के नेता। इस पर सुनील कुमार कहने लगे कि जितना काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुपौली विधानसभा में किया है उतना किसी ने नहीं किया है। साथ ही साथ बीमा भारती को धोखेबाज कह दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ गद्दारी की है बीमा भारती ने। साथ ही साथ लालू यादव का बयान जो बेहद वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि जो एनडीए सरकार है वो अगले महीने यानी अगस्त में गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। इसको लेकर कहने लगे कि राजनीति में तरह तरह के कयास लगाए ही जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, केंद्र सरकार पूरी मजबूती से अपना काम कर रही है। तो वहीं बिहार के विश्वविद्यालय को लेकर कहने लगे कि उनमें शिक्षकों की कमी है, इंटरव्यू के बाद शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ और कहते नजर आए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। नॉन फाइनेंशियल कंपनियां हैं, वो ज़्यादा ऋण दे रही हैं, लोन बहुत ज़्यादा दे रही हैं, तो एक तरह से उनको सचेत किया कि राशि डूबने का खतरा है, इसमें कुछ बिहार पर असर पड़ेगा ऐसा लगता है। इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, हमने उस पत्र को नहीं देखा है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है, कह सकते हैं कि RBI इकॉनमी के हेल्थ के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए, नॉन बैंकिंग सेक्टर के हेल्थ के लिए समय समय पर गाइडलाइंस देता है, जिसको अनिवार्य रूप से बैंक्स को और नॉन बैंकिंग सेक्टर को फॉलो करना है, लेकिन इस पत्र को मैंने नहीं देखा है। राजद की उम्मीदवार है बीमा भारती ने अपने जीत का दावा किया है, कहा है कि हमने विकास किया है इसलिए जनता हमें ही पसंद करेगी। मैं भी वहाँ पर था कुछ दिनों तक, हमने भी कैंपेन में हिस्सा लिया, इलेक्शन कैंपेन में, और हमें लगता है कि जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का किया है या समाज सुधार का किया है, या वहाँ की जो स्थिति थी विधि व्यवस्था की या सड़क की, पानी की, बिजली की, सभी में अत्यधिक सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से हुआ है, और जो माननीय सदस्य जो पूर्व में रही हैं बीमा भारती जी, उन्होंने तो एक तरह से विश्वासघात किया है पार्टी के साथ, तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता भी सारी चीज़ों को समझ रही है, देख रही है, और हमें तो पूरा उम्मीद है कि जब 13 तारीख को काउंटिंग होगी तो जीत जनता दल यूनाइटेड की होगी। देखिए, उस वक्त जो हम लोग एक एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं, और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात कही, तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो हैं उसको हम लोग जांच कर रहे हैं, और जहां भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम उन्हें भी नौकरी उन्हें से हटाते हैं, और उन सभी जो वैकेंसीज हो गए पुनः उनको जोड़ करके हम लोग, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सबको जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग फिर अभी तक कितना ऐसे लोग, वो आंकड़ा अभी फिलहाल कुछ समय लगेगा, क्योंकि 1,87,000 से ऊपर लोग उसमें नियुक्तियाँ हुई थी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है कि एक एक को हम लोग सही तरीके से छानबीन करें। RBI का एक आया है क्योंकि तो बहाली शिक्षा विभाग में चल रही है, तो क्या उसका असर पड़ेगा, क्या रिजर्वेशन पड़ेगा? आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है, और उच्चतम का न्यायालय का जब तक लिए फैसला नहीं आ जाता तब तक लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, और उसके अनुसार हम लोग
तदनुसार कार्रवाई करो। अभी जो बहाली चल रही है प्रोसेस पर कैसे पड़ेगा? तो उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से अभी स्टडी नहीं किया, स्टडी कर लेंगे और जो भी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट का होगा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। विभाग में और बहाली निकलने वाली है? अभी आपने देखा होगा प्रधान अध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्जाम हो गए हैं और हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है, तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर क्या है, कब तक लागू हो जाएगा? देखिए हमें उम्मीद है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी, लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशंस दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिकी विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, वहाँ पर सही तरीके से अच्छे तरीके से और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। क्या इस साल तबादला होगा? मतलब हाँ, इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूति पूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। ये हम लोगों ने अधियाचना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे मंगवा करके कमीशन को भेज दिया है और कमीशन ने अभी 700 से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को की नियुक्ति भी की है और हम लोग के पास भेजा था तो हम लोगों ने उसे अप्रूव करके भेज दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, तब तक ये इस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट लेक्चरर्स का प्रावधान किया गया था यूनिवर्सिटीज़ में, किया गया है कि जहाँ जिस विषय में लेक्चरर्स की कमी हो उन विषयों पर गेस्ट लेक्चरर्स रख सकते हैं और जो कमीशन है वो लगातार इंटरव्यूज़ ले रहा है और जो भी परीक्षाएं अपने तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, लेकिन हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द जो भी वहाँ पर वैकेंसीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में उसको पूरा करें ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की जो भी है, और दूसरा साथ ही साथ अपने बैठक में सभी वाइस चांसलर से कहा भी है कि सेशंस टाइम पर हों, तो सेशंस हों बिल्कुल टाइम पर करना है और ताकि हमने ये भी अपनी बातें कही कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई होनी चाहिए और सेशंस टाइम पर होने चाहिए ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो।